हाय, मैं हूँ रॉन कैंटर। आप देख रहे हैं आउट ऑफ ज़ायन गॉड टीवी पर। मुझे उम्मीद है आपको इसका पहला भाग पसंद आया होगा। ये बाइबल पर आधारित एक बाग है याद हशमोना। आज हम यहाँ देखेंगे कि प्राचीन यहूदी कैसे रहा करते थे। अब ये देखिए, ये है एक प्राचीन जैतून का तेल निकालने वाला स्थान। यहाँ इस जगह पर जैतून का फल भर दिया जाता था, फिर एक गधे का इस्तेमाल होता था। आपको कहानी याद होगी, उन्होंने शिमसोन से भी ये काम करवाया था। देखिए, इस बड़े खम्बे को खींचा जाता था। इसको घुमाने में बहुत जोर लगता है, कुछ इस तरह से। देखिए इस बड़े पत्थर को जो यहाँ पर है, ये पीसने वाला पत्थर जिसे चक्की का पार्ट कहते हैं, फलों को पीस देता था और जैतून का तेल बाहर निकल आता था। आपको याद होगा यीशुआ ने ऐसे पत्थर का वर्णन किया है। उसने कहा, जो कोई इन छोटों में से किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला होगा कि कुछ इस तरह का पत्थर उसके गले में डाला जाए और गले में लटकाकर उसे समुद्र में डाल दिया जाए। और आप कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। आपने जरूर गतसमनी शब्द सुना होगा, इसे यहूदी भाषा में कहते हैं गौत शमानी, यानी जैतून के तेल निकालने वाला स्थान। यही वो स्थान था जहाँ क्रूस पर जाने से पहले यीशुआ बहुत बुरी तरह से पिसा गया। पिसा जाना यानी उस तरह का दबाव जो यहाँ जैतून का फल भोगता है। उस बड़े भारी पत्थर के नीचे आकर यीशुआ क्रूस पर चढ़ने से पहले बिल्कुल इसी तरह के दबाव में था। ये जैतून का तेल प्राचीन यहूदियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ये महज खाने और पीने के रूप में इस्तेमाल नहीं होता था, ये बिजली का भी एक विकल्प था ताकि उनकी मशाले और दीवट जलते रहें। ये उनके लिए औषधि भी था। आज तो हम किसी भी दवाई की दुकान में जाकर कोई भी दवाई ले सकते हैं, पर उन प्राचीन दिनों में यहूदियों के पास जैतून या लहसुन और इनकी दवाइयाँ होती थीं। जैतून का तेल कुछ खरीदने और बेचने के भी काम आता था, जैसे दाऊद ने इसी जैतून को बेचकर लेबनान के केदार खरीदे। कल्पना कीजिए, किसी स्टोर में जाएं, जरा मुझे ये चीजें खरीदनी है, इनका कितना दाम हुआ होगा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, खैर मेरे पास जैतून का तेल है। अब अगर आप किसी आधुनिक अंगूर के बगीचे में गए हो तो वहाँ बड़े पैमाने में दाखरस और अंगूर का रस निकाला जाता है। ये एक प्राचीन अंगूर का बगीचा है और यहाँ अंगूर पीसे जाते थे। ये छोटी सी कोठरी जो आप देख रहे हैं, इसमें अंगूरों का भंडार होता था, जबकि वास्तव में ये पूरा स्थान ढांपा जाता था। अंगूर को ढांप के रखते थे, सारे अंगूर यहाँ लाए जाते थे और आपके नन्हे बच्चे नंगे पैरों के साथ यहाँ आते थे अंगूरों को कुचलने के लिए। आपको याद होगा लूसी का शो, जो कि मुझे बहुत पसंद था, वो भी अंगूरों को कुचलती थी। आप में से कई जानते नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, पर ये छोटे बच्चे नंगे पैरों के साथ इन अंगूरों पर उछलते थे। नंगे पैर क्यों? क्योंकि जूते पहनने से आप बीज को भी कुचल देंगे और दाखरस कड़वा हो जाएगा। और फिर नंगे पैर जब वो अंगूर पर उछलते थे, अंगूरों का रस उस छेद में से निकलता था और दूसरी तरफ कोई जाकर एक बर्तन में उसे इकट्ठा कर लेता था। अब मैं यहाँ एक डुबकी के स्थान के प्रतिरूप में हूँ। सुना आपने, मेरी आवाज भी यहाँ गूंज रही है। ये प्राचीन दौर का एक डुबकी का स्थान है। यहीं धर्मी यहूदी आते थे ताकि वो साफ किए जाएं। और आज भी याद हशमोना में हम जो पूरे देश में विश्वासियों की देह है, हम यहीं पर नए विश्वासियों को लाते हैं। हम इस आधुनिक समय में इसी स्थान पर नया जन्म पाने को पानी में डुबकी लगाते हैं। मैं भी यहीं लाया गया था और ये बहुत अद्भुत है। अब मैं यहाँ एक कब्र में हूँ। घबराइए नहीं, हमेशा के लिए नहीं हूँ। ये एक प्राचीन कब्र है, ठीक वैसे ही जैसी यीशुआ की कब्र थी। आप यहाँ इस विशाल पत्थर को देख सकते हैं। मृत शरीर यहाँ रखा जाता था और ये पत्थर उस पर धकेल दिया जाता था। फिर एक साल के बाद वो दोबारा आते थे, पत्थर को परे धकेलते थे, पर तब तक शरीर गल जाता था और वो उस शरीर में से हड्डियां निकाल लेते थे। उन हड्डियों को परिवार के पहले से मृत लोगों के साथ मिला दिया जाता था। इसी कारण बाइबल में बार बार लिखा है कि वो अपने लोगों में यानी अपने पितरों के साथ जा मिला, क्योंकि उसकी हड्डियां मिला दी जाती थीं। पर यीशुआ, हमें नहीं मालूम उसकी हड्डियां कहाँ हैं। क्यों? क्योंकि वो तो जी उठा था। उसकी कब्र का पत्थर एक साल बाद नहीं, 3 दिनों के बाद हिला दिया गया था और वो मसीहा है जो जी उठा। मैं आशा करता हूँ आपने इस बाग का आनंद लिया होगा जिसका नाम है याद हशमोना। पर आप जरूर god.tv पर जाएं और किसी एपिसोड से ना चूकें और मुझसे संपर्क करें roncanter.com पर। रॉन को ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करें।
एट रॉन एस कैंटर पर रॉन और उनकी सेवकाई या गॉड टीवी या आउट ऑफ जायन कार्यक्रम के बारे में और जानकारी के लिए या इन कार्यक्रमों को दोबारा देखने के लिए गॉड.tv/जायन पर जाएं।